बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भाई अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश हो रम रखे, परेशानी से दूर रखे और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज ईद का तीसरा दिन है। आज हम बहुत सी डिशेज बनाएंगे क्योंकि आज मेरी फोनों फैजाबाद से आ रहे हैं। इस ईद पे हमें इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि खुद की हो गई थी। आज हम काफ़ी सारी डिशेज बनाएंगे। इसके हम बिरयानी बनाएंगे, इसके हम शामी कबाब बनाएंगे और इसका हम सालन बनाएंगे। ये देखिए अब हम गोश्त साफ कर रहे हैं और चर्बी उतार रहे हैं। ये गोश्त है, गोश्त को हमने उबाल लिया है। अभी हम बिरयानी बना रहे हैं। गर्मी बहुत है, इधर से हमने ऊपर कपड़े लगाए हुए हैं धूप से बचने के लिए। बहुत सख्त गर्मी है। हमने ये ग्रीन कलर की शीट लगाई हुई थी लेकिन इसके नीचे कुकिंग नहीं की जा सकती, तो हमने ये कुछ पुरानी बेडशीटें वगैरह पड़ी हुई थी वो लगाई हैं साया करने के लिए, क्योंकि किचन में खड़े होकर भी कुकिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत अफसोस है किचन में। तो हम लोगों ने सहन में ये अरेंज किया हुआ है, तो आप दुआ करें कि हमारी जल्दी जल्दी कुकिंग हो जाए। मेहमान हमारे पहुंचने वाले हैं, तो कोशिश उन्होंने बताया भी हमें आज ही है, तो गोश्त भी सारा फ्रीज हुआ हुआ था। गर्मी लग रही है। ऐसा देखो रोटी खा रही है, वो ऐसा रोटी खा रही है ना, इतनी अच्छी बच्ची है। अब पापड़ नहीं खाती है ना ऐसा? मैं ठीक है, जो बैग में थे आ गए। ये मेरी फूफो की प्यारी सी बेटी है, इसका नाम अमीन है और उसका नाम आयशा। हमने कस्टर्ड बनाया और ये शामी कबाब है, ये बिरयानी है, रायता और ये चिकन सालन और रोटियां। अंकल खाना कैसा बना? खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और मैं के चैनल को लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है हमारी बेटी। बाकी अलहमदिल्ला बहुत अच्छी तरीके से सजावट की है और ईद की कुर्बानी का गोश्त अपने हाथ से बना के हमें खिला रही है, तो थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ मुझे दें इजाजत, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली वीडियो लगातार मिलती रहे। तो इसके साथ साथ मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो।